In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज जुमे का दिन था और जो है ना, बस ये रात से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैं आज कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाह रही थी। क्योंकि मैंने कहा कि कई दिनों से ये होता है ना, रेगुलर वही साया पाए आटा, उसके साथ कुछ ना कुछ भुजिया या फिर कोई सालन हो गया या रात का बचा हुआ हो गया, तो इसी तरह से मैं चला लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट बनाया जाए और डिफरेंट टेस्ट हो, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारे पाकिस्तानी एशियंस खाने होते हैं उनमें बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ है, और इसी तरह से जो इंडियन जो फूड होते हैं, साउथ इंडियन फूड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वैराइटी होती है और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज मैं डोसा बनाती हूँ, और बस मैंने रात से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। रात से ही सब कुछ जो है, मतलब यानी कि जो है सारी चीज़ें ना कट करके रख ली थी, क्योंकि सुबह मुझे जो है ना उठते ही बहुत सारे काम होते हैं। प्लस आपको पता है जैसे कि नमाज़ होती है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना होता है, कुरान पढ़ना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो खैर नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी, और उसके बाद बस ये खाना वाना मैंने बना दिया था, जो कि बहुत माशाल्लाह से मैंने पहली बार बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा बना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कोई चीज़ पहली दफ़ा बनाए, अच्छा ये था कि जो डोसा था ना, पहली दफ़ा वाला जो मेरा था वो थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट नहीं था। इसमें ये होता है कि आपको सबसे ज़्यादा ना तवे को ज़रा ज़्यादा अच्छा हीट करना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है ना डोसे का जो भी बैटर है उसको स्प्रेड करना होता है। तो फर्स्ट ये होता है कि फ़र्स्ट जो आप डोसा बना रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपका ख़राब हो जाता है, लेकिन जो उसके बाद जो बनते हैं ना आपके बैटर जो बन रहा होता है, जो डोसा बन रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। खैर चटनियाँ भी मैंने बना दी थी, और चटनियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, डोसा भी बहुत अच्छा बना था, और उसका भुर्ता भी बहुत अच्छा बना था। जहाँ तक हमारे खाने की बात है, तो पाकिस्तानी खाने तो होते ही अच्छे हैं, और जो हमने ये ट्राई किया ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। खैर उसके बाद आ गया था, ये हस्बैंड चले गए थे कार वॉश कराने खाने के बाद, क्योंकि सैटरडे वाला जो दिन होता है ना वो इनका गाड़ी वाला दिन होता है, और इस दिन जो है वो कहते हैं भाई कोई काम ना हो, बस गाड़ी हो। और मतलब मैं इनको ये छेड़ती हूँ कि ना ये आपकी दूसरी बीवी है। खैर उसके बाद ये शाम का वक्त था और हस्बैंड चले गए थे वहाँ से आने के बाद ना जलेबियाँ लेने, क्योंकि हाँ सलमान स्वीट्स पे जो जलेबियाँ मिलती हैं ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त गरम गरम मिल रही होती हैं, अगर आप जाएँ ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिल रही होती हैं। और मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी यहाँ की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। खैर यहाँ आपसे हमने जलेबी ली, और यहाँ का हमें ना पाउंड केक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो हम यहाँ से कुछ हमारी स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो सलमान स्वीट से हम लेते हैं, तो वो हमने ली। खैर और उसके बाद जो है हस्बैंड कई दिनों से ना मुझसे बोल रहे थे कि पुलाव बहुत दिन हो गए, तो बस यहाँ पे मैंने आज रात को पुलाव भी बनाया था। रात का खाना तो हो चुका था, और ये बारी थी मीठे की। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इतना पुलाव बच चुका था, मैंने इस हिसाब से बनाया था कि नेक्स्ट डे भी चल जाए, क्योंकि ये होता है कि नेक्स्ट डे बड़ी मुश्किल हो रही होती है। और बस हस्बैंड का कहना ये होता है कि एक दिन ना दिल भर के नहीं खाया जाता, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा बनाया करें ताकि दूसरे दिन भी हम भर कर अच्छा खा सकें। तो इस हिसाब से फिर मैंने बनाया, और जो है आज खीर भी बनाई थी। जुम्मे को ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा सा मीठा भी बनाऊँ, क्योंकि रेगुलर डेज़ में तो इतना नहीं मीठा खाया जाता। वन वीक में होता है कि चलो वंस इन अ ब्लू मून आप मीठा खा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने दो कप्स में निकाल दिया था, और ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे अच्छा ये होता है, रात के खाने के बाद मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कि कहीं भी जाने का, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी होती हूँ पूरे घर पूरे दिन की जो फ्रस्ट्रेशन और जो थकावट होती है ना उसकी इतनी ज़्यादा होती है। तो मेरे से होता है कि मैं रात के खाने के बाद ना मेरे से कहीं भी जाने को बोलता है ना कोई तो मेरे से जाया नहीं जाता है। तो खैर उसके बाद फिर जो है यही हुआ कि जो है नेक्स्ट डे फिर मैंने कहा हस्बैंड से कि चलें ये दोपहर का टाइम है, चलें पांडा से ग्रॉसरी भी कर लेते, क्योंकि हमारा कहीं और जाना था। बस उसके बाद ये करीब में पांडा थी, और पांडा बहुत देर आना होता है, और मुझे शादी से पहले तो ना पांडा और फार्म जो हमारे यहाँ जुबैल में बनी है ना, आई थिंक रियाद में, तो मुझे नहीं पता कि फार्म है या नहीं है, लेकिन
पांडा ना हम लोग ज़रूर जाते थे, और बहुत कम हुआ है कि मैं पांडा आती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर उसके बाद ये रात का वक्त था और बहुत टाइम हो गया था, मैंने हस्बैंड से कहा कि आपने कई दिन हो गए बाहर से कुछ नहीं खिलाया है, और बस यहाँ पे हस्बैंड ने ये रेस्टोरेंट है इन्वेंट किया है, और बहुत ही मतलब खोज लगा कर पता किया है कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है ब्रोस्ट का, क्योंकि हमने मोस्टली तो ट्राई किए हुए ब्रोस्ट यहाँ के ना रियाद के जो सऊदी ब्रोस्ट होते हैं, और लेकिन ये हमने सुना और बस ट्राई किया। और ये था कि जब हम बाहर आते हैं, बाहर जाकर खाना खाते हैं ना, तो सारा हमें बहुत इरिटेट करती है और हमें खाने नहीं देती, क्योंकि उसे जो है टेबल और चेयर पे बैठ के ना उसे बहुत ही कंजस्टेड फील हो रहा होता है। तो फिर हमने अब से ना हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है ना जो भी खाना हमने अगर बाहर भी कभी खाना है ना, तो हम जो है उसे टेक अवे करके हम घर में आकर ना खाना खाएंगे। तो खैर हस्बैंड यहाँ पे अकेले आए थे और यहाँ आकर बस उन्होंने ऑर्डर दिया। अच्छा यहाँ का ये हम आए कहाँ हैं ये तो मैंने आपको बताया नहीं, हम आए थे जो है मिस्टर बी के, यहाँ का ब्रोस्ट हमने सुना था बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पेशली ब्रोस्ट और जिंगर बर्गर जो होता है ना यहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से हमने ऑर्डर दे दिया था। हमारा तकरीबन बस इसे ये था कि ये फ्रेशली आपको ना बना के देते, तो तकरीबन मैं हस्बैंड को कॉल कर करके पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा, तकरीबन ये हमारे घर से आई थिंक टाइम 1 घंटे का सफ़र था, लेकिन ये था कि भाई इन्होंने टाइम जो फ्रेशली बेक किया और फ्रेशली फ्राइड किया तो जो है टाइम लग गया तकरीबन 30 मिनट्स, क्योंकि फ्रेशली कर रहे थे सब कुछ। तो और इसी के बराबर में ये फ्रूट्स की शॉप थी, तो हस्बैंड फ्रूट्स की शॉप भी जाकर उन्होंने देखा। यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रहे थे, इनकी जो ब्रांच है ना ये बिरयानी किंग, अगर आपने सुना है रेस्टोरेंट का नाम तो वो उसी नाम से इन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन इसमें सिर्फ फास्ट फूड की चीज़ें मिलती है, जैसे ब्रोस्ट हो गया, जिंगर बर्गर हो गया, बन कबाब हो गए, कई तरह के रोल मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है। तो खैर आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।